बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, टेंथ वाले का जो फर्स्ट टर्मिनल का एग्जामिनेशन चल रहा है बिहार बोर्ड का, उसके साइंस के पेपर का आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ से इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ देर बाद PDF भेज दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में आपने देखा होगा कि बिहार बोर्ड में जो पूछा जा रहा है, दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें से ये एक तरह का है, एक तरह का और क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। हालांकि क्वेश्चन मिलता जुलता है दोनों का, हम लोगों ने देखा, अध्ययन किया तो 48 में से 40 क्वेश्चन मिलता जुलता। अगर आप एक भी सेट देखते हैं तो आपका 40 बनने वाला, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के लिए देखते हैं तो दोनों देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में जो आपके साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है गाड़ियों में, प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही है दो का। तीन नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कह क्या रहा है। तीन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है। तो कांच का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा किस रंग के लिए होता है, वो तो बैंगनी रंग के लिए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रकाश में परावर्तन के कितने नियम हैं, तो परावर्तन के दो नियम हैं, ऑप्शन जो है यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो ये आपका अवतल दर्पण उपयुक्त है, यानी 5 का A जो है यहाँ बिल्कुल सही है, ताकि आपका प्रतिबिंब बड़ा दिखे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो क्या होती है, आधी होती है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो क्या होता है अपवर्तनांक का मान क्या होता है, sin I/sin R, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता था, हमेशा क्या होता है, ये समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक होता है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो सही आंसर हो जाएगा 9 का आपका डी, अनंत पर। 10 में कह रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सही हो जाएगा फोकस दूरी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है शून्य या निर्वात में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा अभिलंब, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, प्रकाश जिस पथ पर चलता उसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस पथ पर चलता उसे कहते हैं किरण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इनमें से कौन प्रदीप्त वस्तु है, यानी जलने वाली वस्तु है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, किरण पुंज यानी बीम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्यतः आपके 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इनमें से पारभासी पदार्थ कौन है, पारभासी पदार्थ यहाँ है आपका बटर पेपर, यानी आयल पेपर भी बोल सकते हैं, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से व्यक्त किया जाता है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा समीकरण द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला दे, Zn+Cu+SnSO4 जो है, Zn SO4 प्लस कॉपर, उपरोक्त दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकार की ये रासायनिक अभिक्रिया ये बताना है आपको, तो सही आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, यानी आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है, उस पर ऊष्मा क्षेपी, यानी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अगला, निम्नांकित में कौन उपचायक है, तो उपचायक इसमें से कौन है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन यानी O2। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा श्वेत यानी उजला, ठीक है। अगला, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो 22 का सही हो जाएगा उष्मा क्षेपी का, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो नए पदार्थ आपका क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिफल, ऑप्शन सी। निम्न से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, नहीं पूछ रहा, तो हो जाएगा यहाँ पर अवक्षेपण जो है आपका ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, बाकी दहन श्वसन भोजन ये सब, भोजन का पचना ये सब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। दहन की क्रिया के लिए कितने शर्तें आवश्यक है, तो दहन की क्रिया के लिए 3 शर्तें आवश्यक है, आपको पता ही होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, ठीक है।
दहन के लिए दहनशील वस्तु का होना चाहिए। फिर उसके लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी होना। किरोसिन जलने पर उत्पन्न करते हैं, तो किरोसिन जलने पर क्या उत्पन्न करते हैं, ज्वाला, यानी ऑप्शन जो है ए अब आपका बिल्कुल सही है। समीकरण में प्रयुक्त तीन चिन्ह अभिक्रिया की क्या है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा संयोजन बताता है। क्या बताता है? संयोजन बताता है। 28 का HCl है, HCl क्या है आपका, तो ये आपका अम्ल है यानी एसिड है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में जलकर क्या बनाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है, ये क्या बनाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है यानी CO प्लस ऑक्सीजन जो होता है ये CO2 हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। समीकरण H2 प्लस Cl2 जो है 2HCl है, ये कैसा समीकरण यहाँ पूछ रहा है, संतुलित है क्या, संतुलित है, तो सी का सही आंसर हो जाएगा संतुलित है, ठीक है। इसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, इधर भी 2HCl है, ठीक है, यहाँ भी Cl2 यानी 2HCl हो गया, इधर H2 है तो इधर भी यहाँ H के पहले 2 लगा हुआ तो ये हो गया, तो संतुलित बैलेंस है यानी। अगला देखते हैं, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है क्या, एनोड पर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, 32 में निम्न में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है, तो कौन सा पदार्थ अपघटित होता है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, यानी चांदी और ब्रोमियम, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुक्षरण होता है कहलाती है, तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी यानी जैव प्रक्रम। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग कौन है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत का यानी ऑप्शन सी। अगला है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है आपका, छोटी आंत सबसे लंबी होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो 36 में कवक में पोषण की मृत जीवी विधि है। कूटपात किस में पाया जाता है, तो कूटपात आपका किस में पाया जाता है, अमीबा में, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, क्लोरोफिन वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है आपका, हरा होता है यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, तो प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक होता है, पेप्सिन सहायक होता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वातरंध्र पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, ये पौधों के तने में, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तिलचट्टा में श्वसन अंग है, तो तिलचट्टा में श्वसन अंग आपका कहाँ पर होता है, ट्रेकिया में, यानी ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो चैम्बर जिसको बोलते हैं, तो 4 कोष्ठक या 4 चैम्बर होते हैं, यानी ऑप्शन ए हट में। अगला देखते हैं, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आप लोग को पता ही होगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, यानी जिससे चीज़ें बाहर निकलती है, उत्सर्जी अंग यहाँ पर क्या है, वृक्क है, इसको किडनी कहते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का आपका सी यानी कॉर्टेक्स में, सॉरी छाल में, 46 का क्या हो जाएगा आपका सी, छाल में। अगला देखते हैं, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है, तो क्या कहलाती है, शुद्ध रक्त को लेकर जाएगा तो धमनियाँ, और गंदी रक्त को वापस चलाता है उसको सीरा कहते हैं, ठीक है। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा निगल द्वार, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, इसके साथ साथ अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, देख लीजिए एक बार, इसका PDF भी टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कर लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ एग्ज़ाम कैसा जा रहा है। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।